हाँ, क्या कह रहे थे? कल हमने वादा किया था ना, ये सोडियम कार्बोनेट तक, बेसिक सॉल्ट तक। रिएक्शन में सोडियम कार्बोनेट। बेसिक सॉल्ट के बाद ना हमने बेसिक सॉल्ट की डेफिनेशन की थी और एक एग्जांपल कार्बन सोडियम कार्बोनेट लिखा था और उसका रिएक्शन लिख लिया था। और वो इतनी सारी क्लासेस होती है ना, मुझे ध्यान ही नहीं रहता कि हमने लास्ट क्या किया था। रुको एक सेकंड। बेसिक सॉल्ट पूरा कर लिया था। बेसिक एसिड सॉल्ट, सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट मैम, बेसिक सॉल्ट की सिर्फ हमने डेफिनेशन लिखी थी और एक अच्छा एग्जांपल और एक रिएक्शन। हाँ, पूरा हो गया था शायद। अच्छा सोडियम कार्बोनेट और सोडियम एसिटेट, ये दोनों किए हाँ थे लास्ट। लास्ट ये किया यस था ना। मैम, यस मैम। ओके, तो उसके बाद है नेक्स्ट कॉजेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिडिक बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्ट। तो व्हेन अ स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट्स विद वीक बेस, तो क्या होता है कि जब हमारा एक स्ट्रॉन्ग एसिड का रिएक्शन होता है वीक बेस के साथ, तो द बेस इज अनेबल टू फुल्ली न्यूट्रलाइज द एसिड। ड्यू टू दिस एन एसिडिक सॉल्ट इज फॉर्म। तो जब इन दोनों का रिएक्शन होगा तब द बेस इज अनेबल टू फुल्ली न्यूट्रलाइज द एसिड। तो ड्यू टू दिस क्या होता है, एसिड सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट फॉर्म होता है। एसिडिक सॉल्ट इज फॉर्म। तो ये तो हमारा फर्स्ट है। तो यह है कि फॉर्मेशन ऑफ एसिडिक बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्ट, कि कैसे वो फॉर्म होते हैं। तो ये भी हमने पढ़ा कि एसिडिक सॉल्ट कैसे फॉर्म होते हैं, जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का रिएक्शन होता है, तो जो बेस होता है द बेस इज अनेबल टू फुली न्यूट्रलाइज द एसिड और एसिडिक सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। मैम, अब सेकंड है, व्हेन अ स्ट्रॉन्ग बेस, जब स्ट्रॉन्ग बेस और रिएक्ट विद वीक एसिड, यहाँ पे क्या था, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड, और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड, तो क्या होता है, द एसिड इज अनेबल टू फुल्ली न्यूट्रलाइज द बेस। तो क्या बनता है हमारा इसके बाद, बेसिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट इज फॉर्म। ठीक है, यह ओके हमारा मैम। एसिडिक सॉल्ट और ये बेसिक सॉल्ट कैसे बनता है। अब हम तीसरा पढ़ेंगे कि न्यूट्रल सॉल्ट कैसे फॉर्म होता है हमारा। ये लिख लिया। यस मैम। एक सेकंड तमन्ना, होल्ड करोगे बस एक सेकंड पे, कोई और इसमें ज्वाइन होने के लिए आ रहा है बिकॉज, बट मैं एक बार इन्फॉर्म कर दूं इंस्टीट्यूट को। ठीक ओके मैम। है, नंबर बिजी जा रहा है, चलो आएंगे तो दोबारा बता देंगे। हाँ, तो
जब इक्वली स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, जब वो रिएक्ट करते हैं, एक सेकेंड हो गया, हाँ जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करते हैं तो दे फुल्ली न्यूट्रलाइज ईच अदर, ओके, वो एक दूसरे को फुल्ली न्यूट्रलाइज कर देते हैं, फुल्ली न्यूट्रलाइज ईच अदर, और क्या फॉर्म होता है, न्यूट्रल सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट इज फॉर्म, ठीक है, ओके मैम। अब इन सब की पीएच वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे कि इनकी पीएच वैल्यू क्या होगी इन सॉल्ट की। तो फर्स्ट न्यूट्रल सॉल्ट, सो न्यूट्रल सॉल्ट की बताओ वैल्यू क्या होगी, न्यूट्रल 7। यस, न्यूट्रल सॉल्ट, द पीएच वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सॉल्ट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 7, ठीक है। उसके बाद एसिडिक सॉल्ट की, वो न्यूट्रल सॉल्ट से कम वाले, लेस देन 7, राइट, द पीएच वैल्यू ऑफ एसिडिक सॉल्ट इज लेस देन 7, और बेसिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट की मोर देन 7, मोर देन 7 than 7. अब हम कुछ इम्पोर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, ओके मैम। तो सबसे पहला है हमारा सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड को हम क्या बोलते हैं, मैंने कल भी बताया था, सॉल्ट, टेबल सॉल्ट, वेरी गुड वेरी गुड, कॉमन सॉल्ट, टेबल सॉल्ट या कॉमन सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड इज ऑल्सो नोन एज कॉमन सॉल्ट और टेबल सॉल्ट, सो इट इज फॉर्म, किस किस का रिएक्शन होता है जब ये फॉर्म होता है, क्या कराया था कल मैंने, सोडियम क्लोराइड कब फॉर्म होता है, देखो कल वाले नोट्स में, एक मिनट मैम, मैम उसमें होता है NaOH plus सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सो इट इज फॉर्मड आफ्टर द रिएक्शन बिटवीन सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये क्या फॉर्म करता है, न्यूट्रल सॉल्ट, अब न्यूट्रल सॉल्ट होगा तो इसका पीएच वैल्यू क्या होगा, 7, द पीएच वैल्यू ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड की पीएच वैल्यू क्या होगी, 7, ठीक है, सो सोडियम क्लोराइड जो होता है इट इज यूज टू एनहांस द टेस्ट ऑफ फूड, राइट, सॉल्ट का यही काम होता है कि वो फूड के टेस्ट को एनहांस करता है, और सोडियम क्लोराइड इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेनी केमिकल्स, ठीक है, ओके मैम। अब हम सेकंड बात करते हैं इंपॉर्टेंट केमिकल्स फ्रॉम सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सेकंड नहीं अभी सेकंड से कोई और आएगा, अभी किसी के इंपॉर्टेंट केमिकल्स क्या बनते हैं सोडियम क्लोराइड से,
इम्पोर्टेंट केमिकल्स फ्रॉम सोडियम क्लोराइड. तो सोडियम हाइड्रोक्साइड राइट, सोडियम हाइड्रोक्साइड हम यूज करते हैं सोडियम क्लोराइड को फॉर्म करने के लिए. तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस. इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड इसका एक और नेम क्या होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, कैल्शियम कॉस्टिक सोडा. कॉस्टिक सोडा एंड इट इज ऑब्टेन्ड बाय द, अभी कैसे ऑब्टेन्ड होता है, इट इज ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलिटिक decomposition of solution of sodium chloride अब क्या होता है, ये जो सोडियम क्लोराइड होता है ना ये एक्वस फॉर्म में होता है. तो एक्वस फॉर्म में जब ये होता है ना तो इसको क्या बोलते हैं, ब्राइन. ओके मैम, सोडियम क्लोराइड जब एक्वस फॉर्म में होगा तो उसको ब्राइन कहते हैं. तो ब्राइन क्या करता है, इट डीकम्पोजेस टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड. तो अभी चेंज करो, एक मिनट मैम. Yes, ma'am. तो अब ये एक इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस होता है. तो इलेक्ट्रोलिटिक होगा तो उसमें एनोड और कैथोड होंगे राइट. यस मैम. तो क्या होता है, इन दिस प्रोसेस क्लोरीन इज ऑब्टेन्ड एट एनोड. एनोड पे तो हमें क्लोरीन ऑब्टेंड होती है और हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस इज ऑब्टेंड एट कैथोड एज अ बाय प्रोडक्ट. सो दिस होल प्रोसेस इज नोन एज, जो सारा प्रोसेस है इसका नाम क्या है, क्लोर, या फिर इसे क्या कहते हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस. ठीक है, जैसे क्वेश्चन आ जाएगा अगर कि एल्कली क्लोर एल्कली प्रोसेस क्या होता है तो तुम्हें एकदम से ध्यान नहीं आएगा, तो पता होना चाहिए इस प्रोसेस का नाम क्या है. अब हम इसकी इक्वेशन लिखते हैं. ओके मैम. 2NaCl एक्वस फॉर्म में ये क्या है, सोडियम क्लोराइड रिएक्ट विद वॉटर जो कि लिक्विड फॉर्म में है. ये क्या फॉर्म कर रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड 2NaOH, ये भी एक्वस सॉल्यूशन प्लस. अब क्या है, उन्होंने क्या बोला, हाइड्रोजन गैस. हाँ, एक पे तो क्लोरीन और एक पे हाइड्रोजन. सोडियम हाइड्रोक्साइड तो बन रहा है और Cl2 गैसियस फॉर्म में और ये भी हाइड्रोजन भी गैसियस फॉर्म में और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है जी मैम. अब ये जो प्रोडक्ट बन रहे हैं ये इन सबके क्या यूजेस होते हैं, ठीक है, इसके यूजेस क्या होते हैं इन प्रोडक्ट के. तो पहला है हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस इट इज यूज एज फ्यूल या
मार्जरीन और इन मेकिंग ऑफ अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर. और फर्टिलाइजर ठीक है, लिख लो तो बताना चेंज करते. ओके मैम. यस मैम, डन. तो नेक्स्ट है कि क्लोरीन गैस. अब क्लोरीन गैस कहाँ काम आ रही होती है? इट इज यूज्ड इन वाटर ट्रीटमेंट. अब देखो हम वाटर को प्योरीफाई करने के लिए क्लोरीन डालते हैं ना उसमें. यस मैम. वाटर ट्रीटमेंट, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पीवीसी. डिसइंफेक्टेंट. अब तुमने देखा है कि हम तो अपने बेड या उसमें भी जब कपड़े रखते होते हैं उसमें क्लोरीन की गोली नहीं डालते है ना, फिर डिसइंफेक्टेंट, क्योंकि ये इंसेक्ट को भी मार देती है. डिसइंफेक्टेंट के बाद सीएसपी. पेस्टिसाइड के लिए, इसलिए क्योंकि ये इंसेक्ट को मारने के काम आती है. ओके मैम. तो और ये क्या होता है, इट इज आल्सो यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर बनाने के काम. ब्लीचिंग पाउडर के मैन्युफैक्चरिंग में और हाइड्रोक्लोरिक एसिड. हाइड्रोक्लोरिक एसिड से एक्सक्लूसिव. ठीक है ओके मैम. अब हम थर्ड पढ़ते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जो फॉर्म हुआ इसका क्या यूज होता है. तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इट इज यूज्ड फॉर डीग्रीसिंग ऑफ मेटल. Manufacturing of paper, soap, detergent, सब में सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है. डिटर्जेंट, आर्टिफिशियल फाइबर्स, ब्लीच. ठीक है. यस मैम, हो गया. इसके बाद अभी तक हमने पढ़ा क्या कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में. ठीक है, अब सेकंड है हमारा ब्लीचिंग पाउडर. ओके मैम. अब हम ब्लीचिंग पाउडर के बारे में पढ़ेंगे और ब्लीचिंग पाउडर को केमिकली क्या कहते हैं. CaOCl2. ब्लीचिंग पाउडर इज आल्सो नोन एज क्लोराइड ऑफ लाइम. क्लोराइड ऑफ लाइम. तो इट इज ये कैसे किस फॉर्म में होता है. इट इज अ सॉलिड एंड येलोइश इन कलर, येलोइश वाइट. येलोइश वाइट कलर का होता है
और ब्लीचिंग पाउडर कैन बी इजिली आइडेंटिफाइड बाय द स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरिन. इसमें क्लोरिन की स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, इसलिए हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो ब्लीचिंग पाउडर है. ओके मैम. स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन. तो ये फॉर्म कैसे होता है? व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हमारा इसका कॉमन नेम है क्लैग लाइन. क्लैग लाइन रिएक्ट विद क्लोरीन इट गिव कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ये देख लो तुम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ठीक है ये होता है CaOCl2. तो ये मतलब ब्लीचिंग पाउडर. ओके मैम. वाटर इज फॉर्म्ड एंड वाटर. तो इसका केमिकल इसका फॉर्मूला क्या होगा? ये OH ट्वाइस जो कि एक्वस फॉर्म में है. CaOH ट्वाइस मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या क्लैग लाइन. जब ये रिएक्ट करती है किसके साथ? क्लोरीन के साथ Cl2. ये भी एक्वस फॉर्म में है. तो ये क्या बनाती है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 एक्वस फॉर्म में. और क्या फॉर्म करिए? वॉटर. राइट वॉटर ठीक है. ये लिक्विड फॉर्म है. ये लिख लो. यस मैम. ओके यस तमन्ना एक सेकेंड. तो ये लिख लिया. यस मैम. तो नेक्स्ट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज एक्वस सॉल्यूशन जो होता है ब्लीचिंग पाउडर का वो बेसिक इन नेचर होता है. सो द टर्म ब्लीच. ब्लीच का मतलब क्या होता है? जब हम ब्लीचिंग करते हैं किसी किसी भी कपड़े पे तो ब्लीच का मतलब क्या होता है? ब्लीच मींस Removal of color. Removal of color. So bleaching powder क्या होता है? Is often used as bleaching agent. So it works because of oxidation. So chlorine in the bleaching powder. जो chlorine होता है ना bleaching powder में ये Cl2 क्लोरीन इन द ब्लीचिंग पाउडर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लीचिंग इफेक्ट. ठीक है. अब ये
अब हम पढ़ते हैं यूजेस ब्लीचिंग पाउडर की। तो ब्लीचिंग पाउडर हमारा कहाँ काम आता है? इट इज यूज एज डिसइंफेक्टेंट टू क्लीन वाटर, to clean water, disinfectant to clean water, moss remover, weed killer, etc. Then bleaching powder is used for bleaching of cotton, in textile industry, तमन्ना। ये बुक्स जो हैं वो 15 के बाद ही मिलेंगी? यस मैम। ओके, बिकॉज हम हमारा ये इतना सारा पढ़ने का हो गया। अब सुनो, हमने इंग्लिश में ये वाला चैप्टर खत्म होते ही ना, जो इंग्लिश में हमने होमोफोन्स किया था, यस मैम, है ना, होमोफोन्स किया है, और हमने ये इनचेंजिंग वर्ड्स, तो होमोफोन्स का टेस्ट दे देना, क्योंकि ये भी पेंडिंग हो जा रहे हैं। अब हमारा बायो का भी, फिजिक्स का भी, उसके बाद केमिस्ट्री का चैप्टर, इसलिए क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि तुम्हारी बुक आ जाए, तो ऐसा कोई टॉपिक ना हो कि टेस्ट हुआ और वो टॉपिक तुम्हें आता ना हो, और टेस्ट अच्छे से देना है इस बार। अभी सबसे पहले ये चैप्टर देखो, आज कम्प्लीट हो जाएगा नहीं तो कल हो जाएगा, उसके बाद तुम इंग्लिश वाले होमोफोन्स का टेस्ट देना और इनचेंजिंग वर्ड्स का, और फिर शायद इतने में शायद टाइम आ जाए, देखो तुम्हारी अगर बुक आ जाए तो, नहीं तो फिर उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे एक साथ। ओके मैम। तो ब्लीचिंग ऑफ कॉटन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, देन ब्लीचिंग ऑफ वुड पल्प इन पेपर। मैम होमोफोन्स का टेस्ट कैसे देना, मतलब उसके मीनिंग लिख के एक एक सेंटेंस बनाना है? हाँ ठीक है, पर क्या कहते हैं होमोफोन था वो, तो वही था ना कि जो भी मैं वर्ड दूंगी उसके मीनिंग सेम होता है, वैसे डिफरेंट सेंटेंस बनते हैं, राइट? सेम साउंड वाले, सेम साउंड वाले, तो उसमें तो, उसमें तो वर्ड्स पता ही है तुम्हें यूजुअली, जो हमने पढ़े थे। यस मैम। हाँ तो वही टेस्ट होगा उसका। तो ये लिख दिया? यस मैम। ओके, तो इसका थर्ड यूज क्या है? थर्ड यूज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, की तरह यूज होता है ये कुछ इंडस्ट्रीज में। जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज कौन सी होती है? क्या मैम? टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज कौन सी होती है जिसमें मैन्युफैक्चर होते हैं केमिकल्स वगैरह? जी नहीं, कोई केमिकल्स नहीं, कपड़े, कपड़े यहाँ बनते हैं। अच्छा, तो क्या होता है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? ये क्या करता है ब्लीचिंग पाउडर? ये कपड़ों का कलर चेंज करता है, रिमूव कर देता है कलर, तो जो भी है ब्लीचिंग पाउडर यूज होता है ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, और पेपर इंडस्ट्री में ये वुड पल्प में, वुड पल्प की ब्लीचिंग करने में। ठीक है, ओके मैम। अब हमने सेकंड जो पढ़ा था ये ब्लीचिंग पाउडर पढ़ा था, अब हमारा थर्ड आता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा,
NaHCO3. So NaHCO3, baking soda, is another important product which can be obtained using byproduct of chloralkali process. Chloralkali process में जो ये byproduct होता है तो ये बेकिंग सोडा होता है. सो द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या होता है? सोडियम. सोडियम देन क्या है? हाइड्रोजन एंड देन कार्बोनेट. ओके मैम. या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट, ये भी नाम कह सकते हैं हम इसको. तो इसके और नेम क्या है बेकिंग सोडा के? ब्रेड सोडा, कुकिंग सोडा. अब हम खाने में भी यूज करते हैं ना बेकिंग सोडा. यस मैम. बेक करने में, सोचो केक्स वगैरह में और कुछ बनाते हैं फुलाने के लिए. हाँ, केक में भटूरे बनाते हैं उसमें, और किसमें? ब्रेड में, और ये ढोकला बनाते हैं उसमें, कितनी चीजों में यूज होता है. तो कुकिंग सोडा भी कहते हैं, बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा भी कहते हैं, और यही सोडा सोचो हम शिकंजी में भी है ना, उसमें भी यूज होता है. यस मैम. ये सारे इसके नेम हैं. तो इसका अब मेथड क्या है इसके प्रिपरेशन का? प्रिपरेशन ये कैसे फॉर्म होता है, कैसे बनता है? प्रिपरेशन मेथड. तो बेकिंग सोडा इज ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ ब्राइन विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया. ब्राइन क्या था आप देखो, ब्राइन मैंने क्या लिखा है तुम्हें? मैम ब्राइन वो था, एक मिनट मैम, वो कैस्केट सोडा का सॉल्यूशन है, वो सोडियम क्लोराइड और वाटर. ठीक है, सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl को जब हम वाटर के साथ मिक्स होगा तो ये होता है ब्राइन. इसका हम रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया. कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया इज NH3. तो ये क्या फॉर्म कर रहा है? एक तो फॉर्म कर रहा है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl. ये क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड लिख लो. और ये क्या होता है? NaHCO3. NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट. ठीक है, तो क्या फॉर्म हो रहा है हमारा? सोडियम बाइकार्बोनेट. और ये था, ये क्या है? सोडियम अमोनियम क्लोराइड. इसलिए मैं कह रही हूँ कि लिख लो इसका नाम, अमोनियम क्लोराइड. ओके मैम. यस मैम, हो गया. इसके बाद हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट. ओके मैम. प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट. तो सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है? इट इज व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड. व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड बट इट अपियर एज फाइन पाउडर. अब तुमने देखा ये व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, पर बेकिंग सोडा देखा है कितना बारीक और एकदम फाइन पाउडर टाइप होता है, राइट? बट
इट अपियर्स एज फाइन पाउडर। उसके बाद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट बोल दो या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब तुम सोच रहे हो न्यू नेम कहाँ से आ गया कि एकदम से, तो हम इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। इट इज एम्फोटेरिक इन नेचर, देन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज पेरेंटली सॉल्यूबल इन वाटर। ये वाटर में डिजोल्व हो जाता है राइट, सॉल्यूबल इन वाटर। इतना बारीक होता है, इतने अच्छे से मिक्स हो जाता है कि हमें शो भी नहीं होता। तो थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो जब हम बेकिंग सोडा को हीट करते हैं, देन बेकिंग सोडा इज हीटेड, तब क्या होता है, इट डीकम्पोजेस इनटू सोडियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जब हम 2NaHCO3 को हीट करेंगे तो क्या फॉर्म होएगा, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस वाटर। ठीक है, जब ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है जब सोडियम बेकिंग सोडा को हीट करेंगे तो क्या होगा, अब तुम्हें पता होगा कि सोडियम कार्बोनेट। अब देखो, अब एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है ना तो उसमें ये लिखना भी होता है, प्लस केमिस्ट्री में ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर तुम उसके बारे में लिखो या ना लिखो, बट ये रिएक्शंस करेक्ट लिखोगे तो टीचर तुम्हारे लिखा हुआ भी नहीं पढ़ती, अगर तुमने रिएक्शन सही लिखा है तो। इसलिए रिएक्शंस बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं और ये एक प्लस मार्क्स दे देते हैं, मतलब टीचर्स कि इसको बच्चे को ये रिएक्शन अच्छे से आता है तो इसलिए फुल मार्क्स दे देते हैं। ओके मैम। उसके बाद ये लिख लिया। यस मैम। नेक्स्ट है सोडियम कार्बोनेट कैसे जो फॉर्म हो रहा है, फॉर्म्ड आफ्टर सोडियम कार्बोनेट form after thermal decomposition of sodium hydrogen carbonate सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम डीकम्पोज,
तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम डीकंपोज करेंगे, डीकंपोज इनटू सोडियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन फर्दर हीटिंग, ठीक है, तो क्या रिएक्शन होगा? Na2CO3, Na2CO3 इज सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम मैम कार्बोनेट को तो जब हम हीट करेंगे तो क्या बन रहा है? Na2O सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, ये क्या है? सोडियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? डिहाइड्रेशन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज नोन एज डिहाइड्रेशन रिएक्शन। अब देखो तुम कितनी सारी चीजें, एक सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा में कितनी सारी चीजें हैं, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, इससे सारी चीजें पता होनी चाहिए, ओके मैम ठीक है। ये लिख लिया, अब यूजेस करते हैं बेकिंग सोडा के यूजेस। यस मैम लिख लिया ओके, अब इसके यूजेस, तो बेकिंग सोडा इज यूज इन मेकिंग बेकिंग पाउडर, राइट, बेकिंग पाउडर बनाने में। और बेकिंग पाउडर हम कहाँ यूज करते हैं? कुकिंग में, एज इट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड विच मेक्स द बैटर सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी, राइट, तो हम इसको कुकिंग मैम। में यूज करते हैं क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है और वो क्या करती है? बैटर को स्पंजी और सॉफ्ट बना देती है। उसके बाद बेकिंग सोडा का यूज कहाँ होता है? इट इज यूज एज एंटासिड, देन थर्ड इट इज बेकिंग सोडा इज यूज इन टूथपेस्ट, टूथपेस्ट में भी, विच मेक्स द टीथ व्हाइट एंड प्लेक फ्री, टूथपेस्ट में भी बेकिंग सोडा होता है। उसके बाद बेकिंग सोडा इज यूज इन क्लीनिंग ऑफ ऑर्नामेंट, ठीक है, ओके मैम ऑर्नामेंट को क्लीन करने में। क्लीनिंग ऑफ ऑर्नामेंट मेड ऑफ सिल्वर, देन सिंस हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड सोडियम ऑक्साइड ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, तो ये क्या? तो इट इज यूज्ड एज, तो एक ये फायर एक्सटिंग्विशर, एक सेकेंड होल्ड करना था मैंने। ओके मैम तो क्लीनिंग ऑफ ऑर्नामेंट मेड ऑफ सिल्वर, और ये लास्ट में मैंने तुम्हें बताया, तो ये फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज होता है, फायर एक्सटिंग्विशर। ओके मैम अब देखो इसके बाद, अभी हमने बेकिंग सोडा के बारे में पढ़ा था, ब्लीचिंग पाउडर के बारे में पढ़ा है, और हमने क्या पढ़ा था? फर्स्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। अब हमारे जो और चीजें रह गई हैं वो है, एक तो बेकिंग पाउडर, अभी हम बेकिंग सोडा पड़ा था ना, तो बेकिंग पाउडर रह गया अभी, और वॉशिंग सोडा रह गया है,
ठीक है, ये दो तो इसमें रह गए। उसके बाद वाटर का क्रिस्टलाइजेशन, और फिर हमारा और टॉपिक क्या रह गया, केमिकल प्रॉपर्टीज, एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज, बेस की और इक्वेशंस, एसिड बेस और सॉल्ट की इक्वेशंस, उनके रिएक्शंस, फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा। तो अभी एक क्लास का और बचा है, ठीक ओके मैम, है? चलो कल मिलते हैं फिर। ओके मैम, चलो बाय। बाय।